बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। आज मैं जो नई रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ वो है जिंजर चिकन। जिंजर चिकन बहुत ही आसानी से और बहुत कम अज्जा में तैयार हो जाता है। सबसे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रेसिपी पसंद आती है तो लाइक भी कीजिएगा, साथ ही साथ बेल के बटन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक जल्द अज जल्द पहुँच सके। पसंद आए तो दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। बिस्मिल्लाह करते हुए मैं शुरू करती हूँ। सबसे पहले मैंने देगची में ये ऑयल ले लिया है जो मैंने एक कप से ज़्यादा लिया है। मेरी चिकन भी तकरीबन 1.5 किलो है, इसलिए मैंने ये थोड़ा ज़्यादा लिया है। सबसे पहले मैं इस गरम ऑयल में ये अदरक जो मैंने लिया है ये तकरीबन 6 टेबल स्पून है और इसे मैंने पानी के बग़ैर पीस लिया है। पानी में पीसने से वो बात नहीं आएगी जो हम सिल पर पीसेंगे इसे। सबसे पहले मैं ये ऑयल में इस जिंजर को यानी कि अदरक को डाल दूंगी और इसे कुछ देर इसी ऑयल में मुझे फ्राई करना है ताकि ये अदरक का सारा फ्लेवर इसमें आ जाए। अदरक को इसमें हल्का गोल्डन कलर करना है मुझे इसी ऑयल में। और ये इस चिकन में ना लहसुन जाएगी ना प्याज जाएगा, सिर्फ ये अदरक ही इसमें जाएगा। इसे कुछ फ्राई करते हुए मैं इसके साथ ही डाल दूंगी ये 1 टेबल स्पून मैंने सफ़ेद ज़ीरे का लिया है, ये भी मैं इसी में शामिल कर दूंगी ताकि ये अदरक के साथ ही हल्का गोल्डन हो जाए। अदरक को इस ऑयल में फ्राई करते हुए मुझे तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं और देखें आप इसका कलर भी चेंज होने लगा है। अब इसी चेंज होते हुए कलर के साथ ही मैं इसमें ये चिकन डाल दूंगी जो कि मैंने 1.5 किलो ली है। और इसी में कुछ देर इसको यानी कि चिकन को मैं इसमें कुछ देर फ्राई करूंगी ताकि ये अदरक वाला सारा जो इसका टेस्ट है इस चिकन में आ जाए। इस ऑयल और अदरक में चिकन को इसलिए फ्राई करना ज़रूरी होता है ताकि इसमें चिकन में सारा इसका फ्लेवर आ जाए अदरक का। और देखें ये मैंने अच्छी तरह से इसको भून लिया है। अब मैं ये लूँगी 1 किलो टमाटर लिए हैं मैंने जो मैंने पीस लिए हैं और ये सारे मैं इसी में ही डाल दूँगी। मैंने आपको पहले भी बताया है कि इसमें प्याज और लहसुन नहीं जाएगा, इसमें सिर्फ ये अदरक का फ्लेवर ही रहेगा। तो मसाले के लिए टमाटर 1 किलो मैंने लिए हैं और अब ये टमाटर का पानी मुझे खुश्क करना है, ये आधा खुश्क हो जाए उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें और मुझे क्या क्या शामिल करना है। टमाटर का पानी कुछ खुश्क हो गया है, अब मैं इसमें सबसे पहले ये 1 टेबल स्पून नमक है जो मैं इसमें डाल दूँगी और इसके साथ ही मैं 1 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर है ये भी मैं इसी में शामिल कर दूंगी और 1 टेबल स्पून ही धनिया पाउडर है
ये भी मैं इसी में शामिल कर दूंगी। और इसके साथ ही ये आधा टीस्पून हल्दी, ये भी मैं इसी में डाल दूंगी। और अब इन सारी चीज़ों को मैं अच्छी तरह से भून लूंगी। आँच को तेज़ रखते हुए मुझे इसकी भुनाई करनी है। ये माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी तैयार होता है। मेरे घर में ये बहुत शौक़ से खाई जाती है, जिंजर चिकन। इसीलिए मैंने आपको आज ये रेसिपी शेयर की है कि आप भी बनाइएगा और आपके घर में कैसी लगती है मुझे ज़रूर बताइएगा। अपने कमेंट्स मुझे देते रहा करें ताकि मुझे अंदाज़ा हो कि आपको क्या चीज़ अच्छी लगी है और क्या चीज़ आप और चाहते हैं मुझसे। ये देखिए नाज़रीन, टमाटर का पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है और हमारी चिकन को भी अच्छी तरह से मैंने भून लिया है। अब इस चिकन को मैं तकरीबन 10 से 15 मिनट तक ढककर धीमी आंच पर पकाऊंगी ताकि अच्छे से गल जाए, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तकरीबन 15 मिनट के बाद हमारी ये चिकन बिल्कुल तैयार है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू भी आ रही है इसमें से। और अब मैं इसमें सबसे आखिर में डाल दूंगी ये आधा टीस्पून गरम मसाले का है, जो कि मैं इसी में शामिल करके और इसे हिला दूंगी। और अब मैं इसमें डाल दूंगी ये 4 से 5 हरी मिर्चें हैं जिनको मैंने काट लिया है, ये भी मैं इसमें डाल दूंगी खुशबू के लिए। मैंने इन मिर्चों के बीज निकाल दिए थे, सिर्फ खुशबू के लिए मैंने ये मिर्चें इस्तेमाल की हैं। मिर्चें डालने के बाद मैं कुछ देर इनको तकरीबन 2 से 3 मिनट बस ये दम पर रखूंगी ताकि मिर्चों की खुशबू भी इसमें आ जाए। 2 से 3 मिनट के बाद अब मैं इसमें ये थोड़ा सा हरा धनिया डाल दूंगी और इसके साथ ही मैं ये थोड़ा सा इस पर ये अदरक कटा हुआ है जो मैंने इस पर डाल दिया। चलें अब आप मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखें नाज़रीन, हमारी जिंजर चिकन बिल्कुल तैयार है। अगर आपको पसंद आती है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में फिर मिलूँगी आपसे। तब तक मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।